ये देखो जी, इतना बड़ा पिज्जा जो कि रेडी हो चुका है और अब ये जाएगा सीधा इसके ऊपर। वाओ मनमीत, इसे कहते हैं द बिगेस्ट मॉन्स्टर पिज्जा। गाइस दिस इज रियली अमेजिंग। ये एक पिज्जा 34 मिनट के अंदर खत्म कर सकता अकेला और 34,000 रुपए का कैश प्राइस जीत सकता है। तो से भी ज्यादा है। तो लीजिए भाई, हम दोबारा से आ गए आपके पास और आज मैं कुछ खाने वाला हूँ, कुछ बढ़िया खाने वाला हूँ। हमने सबसे बड़ा पराठा खा लिया, हमने सबसे बड़ी थाली भी खा ली, बट आज कुछ ऐसे खाने वाले हैं जो शायद ना ही आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा इंडिया के अंदर। तो स्पेशली ये मैंने देखी है बट बाहर देखी है। तो हम आए हैं कहाँ पर, द अमेरिकन कनेक्शन, जहाँ पर मिलता है सबसे बड़ा दिल्ली NCR का पिज्ज़ा। और वो पिज्ज़ा इतना बढ़िया होगा कि आप देख के मन करेगा कि अभी खा लो। और हम इनका खाने वाले हैं सबसे ज़्यादा चीज़ से भरा हुआ बर्गर, इनका मॉन्स्टर बर्गर, एंड कुछ शेक भी एक साथ में लेंगे देखते हैं। तो ये सब चीज़ें तो छोड़ो, सबसे पहले देखते हैं ये इतना बड़ा पिज्ज़ा बनता कैसे भाई, इतना बड़ा ओवन बनता भी है या छोटे छोटे पिज्ज़ा जोड़ के बड़ा बना दिए। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या और कितना बड़ा पिज्ज़ा है। चलिए, तो ये देख रहे हो, ये मेरा बन रहा है दिल्ली NCR का सबसे बड़ा पिज्जा। ये कितना बड़ा, जितना बड़ा टेबल है उतना बड़ा बनेगा? 44 इंचेस का पिज्जा ये? 34। क्या बात है, तो ये लगभग 3 फुट का पिज्जा हो गया, 2 इंची कम। क्या बात है, तो इसको मैं कस्टमाइज बनवा सकता हूँ, लाइक कि अगर मैं, मेरा दोस्त आए कि मैं वेज हूँ वो नॉन वेज है, तो आधा आधा। अच्छा, मेक योर ओन पिज्जा। क्या बात है भाई, तो यहाँ तो मतलब कि लोग आके स्पेशली यही खाते होंगे, मेन चीज़ यही है आपकी? एंड मॉन्स्टर बर्गर आल्सो। अच्छा मॉन्स्टर बर्गर, वो अभी खाने वाले हैं, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो इतना बड़ा पिज्ज़ा दिल्ली NCR में फिलहाल किसी के पास नहीं है। और हम कहाँ पर है, द अमेरिकन कनेक्शन, जो कि कालका जी में है। और जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो कौन सा मेट्रो स्टेशन है नियरेस्ट? नेहरू एन्क्लेव। क्या बात है, ज़रा मैं एक बार ट्राई करूँ यार, मैं कर सकता हूँ यार, मैं बना खाना बना सकता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ। अरे भाई क्या है ये, तो यार इतना बड़ा मनमीत ही खा देगा, मैं क्या खाऊंगा है। लो भाई आप ही करो, थोड़ा सा खिलाओ। कच्चा खा लेगा? अरे बनेगा पूरा, इसके ऊपर पूरी टॉपिंग बनेगी। आप देखते रहो कि पूरा साइड में जितने आपको पूरा टेबल दिख रहा है ना, ऊपर का टॉप ये पूरा का पूरा पिज्ज़ा बेस से भर जाएगा। उसके बाद आप इसके ऊपर अपनी मर्जी की टॉपिंग्स लगाओ। भाई इतना बड़ा पिज्ज़ा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। मैंने इसका हाफ था जो कि पराठा खाया था हमने, याद है आपको, जो हमने पराठा खाया था। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ये भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, वो भी ख़त्म नहीं किया था। वो किसी चीज़ जलेगी? 4 किलो चीज़? Yes. 4 किलो चीज़ जलेगी इसके अंदर? ओ भाई भाई, तो ये देखो पूरा का पूरा बेस जो है ये 34 इंचिस का बेक हो चुका है, बस सॉरी ये रोल हो चुका है। अब ये कितने मिनट के लिए बेक होगा? ये 5 मिनट। 5 मिनट के लिए बेक होगा, उसके बाद इसके ऊपर लगेगी बहुत सारी चीज़, बहुत सारी टॉपिंग्स। क्या बात है, अब ये बेक करने के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर रखेंगे पूरा फैला के। ये देखो जी आ गया इसका, इसे क्या कहते हैं? ये हमारा नेट है। नेट है, ये पिज़्ज़ा साइज़ है 32 इंच का, लेकिन यहीं पर ये छोड़ दिया। परफेक्ट, अब इसके ऊपर पूरा फैलेगा ये। ये 5 मिनट के लिए बेक होगा ताकि अच्छे से साइज पकड़ ले, उसके बाद इसके ऊपर लगेगी टॉपिंग्स वगैरह। ये इस पे छोटे छोटे छेद किए जा रहे हैं ताकि ये जब बेक हो ना तो एकदम फूले ना, ज़्यादा पफ ना हो, तो इसलिए किए जा रहे हैं। और साइड से एक्स्ट्रा कटिंग कर रहे हैं। ये गया अवन के अंदर 5 मिनट के लिए सिर्फ। क्या बात है, इतना बड़ा पिज्ज़ा ये मनमीत अकेला ही खा लेगा यार, मेरे को लगता है अलग मंगाना पड़ेगा एक। अच्छा ये स्टोन अवन है, इट्स नॉट अ वुडन अवन, ये स्टोन अवन है। क्या बात है, अब ये बंद होगा 5 मिनट के लिए।
अब मिलते हैं 5 मिनट के बाद, आपको दिखाएंगे टॉपिंग्स कैसे डलती है इसके ऊपर। तो ये रही पिज्जा सॉस, ये कितने ग्राम होगी? ये एक्चुअली 2 लीटर का है। 2 लीटर? 2 लीटर का है तो ये हाफ 1 लीटर जाएगा इसमें। अच्छा 1 लीटर जाएगा। तो भाई एक्चुअली में ना पिज्ज़ा का जो असली टेस्ट होता है ना वो इस सॉस में होता है। टॉपिंग्स तो आप कुछ भी डाल सकते हो, अगर आप सॉस, अगर आपकी सॉस बेकार है ना तो उसका मतलब टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। बाप रे मम्मी, तेरी शादी में बनवाएंगे इतना बड़ा पिज्ज़ा, वो भाई गर्म है, तेरी शादी में पिज्ज़ा बनवाएंगे इतना बड़ा। अरे ये तो डोसा बना दिया भैया ने, इटालियन डोसा। क्या बात है भाई, इतना बड़ा पिज्ज़ा क्या आपने कभी खाया है? नीचे कमेंट करो, उस दोस्त को टैग करो जिसके साथ आप ये पिज़्ज़ा ट्राई करने वाले हो। कभी भी आप कालका जी आए तो द अमेरिकन कनेक्शन ज़रूर आना, इसको ज़रूर ट्राई करना। मुझसे तो बस अब रहा नहीं जा रहा, मनमीत को मन कर रहा है इसी के ऊपर तंदूर को रोस्ट करके ना मनमीत को उठा दो और मनमीत को ही खा जाओ। ओ भाई, बट दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड बिग, वेरी बिग। उस हमने थाली भी कवर की है बट थाली इतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा ये पिज़्ज़ा है। और टॉपिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो कितने कितने ग्राम आ जाती है? हाफ एंड केजी तक चिकन टिक्का जाएगा इसके अंदर। हाफ किलो आधा किलो चिकन टिक्का और पनीर? पनीर आपका अराउंड 300-400 ग्राम। 300-400 ग्राम, गुड, वेरी गुड। ये आपका अराउंड 2 केजी का रोल है। ये कौन सा चीज़ है? ये मोज़रेला। बिछा दो चिकन टिक्का, बिछा दो, थोड़ा सा दे दो। आए ओ माई गॉड, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पार्क में मिट्टी से खेलता हूँ ना, वो है बचपन में खेलते। क्या बात है, वेरी गुड भाई। ये देखो जितनी मर्जी चीज़ डालो है, नहीं है भाई ये है मस्त। सीरियसली गाइस दिस इज रियली अमेजिंग, मज़ा आ गया देख के। खाने में तो उतना ही मज़ा आएगा मुझे पक्का पता है। अनदर सेकंड बॉल, अब ये अच्छा 2 लगेंगे टोटल। क्या बात है, अब ये टॉपिंग्स डल रही हैं, ये कैप्सिकम है, बेल पेपर्स वगैरह सब डल रहे हैं, अनियन है, कॉर्न है। क्या बात है, टॉपिंग्स देखा, मैं ये आई एम ऑन डाइट गाइस, मैं ये सैलड खाऊंगा जो ऊपर इन्होंने बिछाया, बाकी सब मनमीत खाएगा, मैं कम ही खाता हूँ। अच्छा ये वेजिटेरियन की तैयारी हो गई राइट, ये हाफ वेज लगा दिए मैंने जिसके अंदर पनीर भी आएगा इसके ऊपर। अभी ये आ गया जी पनीर, जो कि इन्होंने इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई किया है, हल्का सा गोल्डन जिसे कहते हैं वो किया है। भाई बनमीत तो यार देख कर इतना मन आ रहा है, तो क्या मॉन्स्टर पिज्जा इसका नाम क्या रखा यहाँ पे? मॉन्स्टर पिज्जा अमेरिकन स्पेशल है। वैसे आपको ये मेक योर ओन पिज्जा है। ओके, इसका प्राइस कितना है आप बताओगे एक बार? इसका ये मेक योर ओन पिज्ज़ा जो है ये 34 इंचेस का, इसका प्राइस क्या है अगर कोई किसी को होम डिलीवरी करना हो या क्या है? होम डिलीवरी सर अभी ऑप्शन कर रहे हैं। अच्छा, इसका प्राइस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज विद 3400 एंड 3499। 3499 इट्स नॉन वेजिटेरियन राइट? पार्टी पिज्जा मेरे हिसाब से ये पार्टी पिज्जा, अगर आपके घर पे पार्टी है, हाउस पार्टी चल रही है, कुछ भी है, आप पिकनिक जा रहे हो, देन आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि सिर्फ यार एक ही पिज्जा मंगा लो यार हो जाएगा काम। कहते हैं ना हमने पराठा की वीडियो बनाई थी जो इतने बड़े की, वो एक भी नहीं खाया गया था मेरे ख्याल से, ये मेरे से आधा भी नहीं खाया जाएगा, आधा भी नहीं खाया जाएगा। बट मैं ये सब शेयर करने वाला हूँ अपने दोस्तों के साथ और वेस्ट नहीं करूँगा, अगर बचेगा तो पैक करा के घर भी ले जाऊँगा, घर में खा लूँगा, मनमीत को भी खिलाऊँगा 1 महीने तक पूरा यही पिज्ज़ा खिलाऊँगा रोज़ सुबह गर्म करके। मतलब आपका पैसा पूरा वसूल है अगर आप 3400-3500 रुपये एक पिज़्ज़ा के लिए दे रहे हो। आई थिंक इट्स इनफ फॉर 10 पीपल राइट? 12 से 15 लोग अगर 3500 रुपये का ही पिज़्ज़ा खाते हैं, 3400-3500 रुपये का, आई थिंक इट्स गुड यार। मतलब नॉन वेज, मतलब कि वेज भी हो गया, नॉन वेज भी हो गया, ना मेन कोर्स की झंझट, ना अलग से कोई स्टार्टर मंगाना है। पर ये है कि ओरिगैनो ज़्यादा डलेगा इसमें यार, 1 किलो तो ओरिगैनो डल जाएगा। क्या बात है, कोई बात नहीं, अगर आप मंगाओगे घर पर तो ये ओरिगैनो भी भेजेगी आपको डब्बे भर के। ये डिलीवर कैसे होगा मैं तो ये सोच रहा हूँ। क्या बात है, परफेक्ट। तो अभी तक आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब लोग ले रहे हैं, आ रहे हैं, खाते?
तो चलो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है? अभी कैमरा ऑन है. क्या आप अगर कोई एक बंदा इसको अकेले फिनिश कर ले विद इन अ टाइम लाइक 34 इंचेस का है ना, तो अगर 34 मिनट के अंदर ये पिज्जा खत्म करता है कोई एक सिंगल बंदा, तो कितने का प्राइस दे सकते हैं आप? कैश प्राइस 11,000. बिल्कुल. तो 11,000 रुपए का या 34,000, ठीक है? 34 पर्ची है. बिल्कुल सर. ओके ओके डन. पक्का? बिल्कुल डन. 34,000 रुपए का प्राइस है अगर आप ये 34 मिनट में ही खत्म कर सकते हो. 34,000 रुपीस कैश प्राइस फ्रॉम द अमेरिकन कनेक्शन ऑनर. एक बार दिखा दो, ऑनर की शक्ल भी दिखा दो. एक बंदे को 34 मिनट के अंदर ये खत्म करना है. एक बंदे को 34 मिनट में ये खत्म करना है और 34,000 रुपए कैश प्राइस है. मनमीत तो मेरे को दो गाले का, तो इसलिए रेडी रख ला पैसे 78,000 रुपए. चलो गाइस इट्स रेडी नाउ. क्या बात है, ये हमारी पिज्ज़ा रेडी हो गई है और ये अंदर जा रही है और ये धीरे 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 क्या बात है, मज़ेदार, परफेक्ट. आप देख सकते हो अंदर कितना बढ़िया, इतना अच्छा लग रहा है ना यार, मज़ा आ जाएगा. मैं ये कर रहा हूँ बंद, कर दो बंद. आप मिलूँगा 15-20 मिनट के बाद. चलिए यार, ये देखो जी इतना बड़ा पिज्ज़ा जो कि रेडी हो चुका है और अब ये जाएगा सीधा इसके ऊपर. वाओ, मनमीत इसे कहते हैं द बिगेस्ट मॉन्स्टर पिज्ज़ा. गाइस दिस इज रियली अमेजिंग. आप देख सकते हो चिकन टिक्का. गाइस ये लीजिए सर चिकन टिक्का. ओ हो मनमीत छोटा सा पिज्ज़ा आ गया तेरा भाई, क्या बात है, मज़ा आ गए. तो ये पिज्ज़ा है पूरा गाइस. ओ हो बड़ा भारी है भाई. अरे बाप रे गाइस दिस इज रियली अमेजिंग गाइस. जस्ट टैग योर फ्रेंड जो ये एक पिज्जा 34 मिनट के अंदर खत्म कर सकता अकेला और 34,000 रुपए का कैश प्राइस जीत सकता है. यू हैव ओनली 34 मिनट्स टू फिनिश दिस एंड यू विल गेट अ कैश प्राइस ऑफ 34,000 रुपीज फ्रॉम द अमेरिकन कनेक्शन एट कालका जी. क्या बात है, आप बताओ भाई कौन 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 खाएगा मेरे साथ ये खाने का. मनमीत ऐसा है जल्दी खा लियो, घर जाके खाना भी खाना है, ठीक है? ये सारा पिज्ज़ा ख़त्म करना है हमने, ये तो स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ, और घर जाके खाना भी खाना है इसके बाद. ये डल रहा है तंदूरी सॉस. पूरे पिज्ज़ा पे आएगा? नो, हाँ, तंदूरी पे. अच्छा ये, अच्छा उस पर नॉन वेज पे आएगा और उस पर आएगा मेयोनीज, उसमें आएगी चीज़ ब्लेंड. चीज़ ब्लेंड, ये हमारी ऑन मेक चीज़ है, हमने खुद बनाई चीज़. ये लीजिए भाई, अभी इसका तो टेस्ट जो है ना मज़ा आ जाएगा अब खा के. ये सॉस डालने के बाद तो और भी बढ़िया हो जाता है. धनिया इन तंदूर पे, धनिया पिज्ज़ा पे धनिया कभी डाला है? हमने डाला है वेज में, पास लेट लेगा. लीजिए आपका मॉन्स्टर पिज्ज़ा इज रेडी रहा राइट. और ये रहा हमारा मॉन्स्टर पिज्ज़ा. खाएगा कोई? करे टेस्टिंग. चलो फिर आ जाओ बाहर. ला 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 पिज्जा रेडी. ये छोटा सा स्लाइस है यार, ये तो मनवीर भी खा लेगा. लेट्स सी गाइस. क्या बात है भाई, इतना बड़ा पिज्जा. और लेट्स ट्राई दिस गाइस, अब थोड़ा सा टेस्टिंग हो जाए, मुझे लग रही है बड़ी भूख और जल्दी से खा लेता हूँ क्योंकि घर जाके खाना भी खाना है. तो इतना बड़ा भाई स्लाइस, इतना बड़ा है. ओ भाई ये राजी एक स्लाइस गाइस, दिस इज वन स्लाइस. लेट्स ट्राई, थोड़ा सा ओरिगैनो डाल लेते हैं. ओरिगैनो तो पूरे पिज्ज़ा पे आएगा, मैं वेज नहीं खाऊंगा, मैं नॉन वेज खाऊंगा. एंड थोड़ा सा नहीं, बस हमें पिज्ज़ा ट्राई करना. भाई बहुत हैवी है. आप देख सकते हो कि चीज़ की लेयर बहुत मोटी है, पिज्ज़ा बहुत थिन है. दिस इज रियली अमेजिंग. टेस्ट बहुत अच्छा है, पिज्ज़ा सॉस बहुत अच्छी है.
उनका पेट भर गया। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर पार्टी है, हाउस पार्टी कर रहे हो या कुछ भी है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन गाइस। 3400-3500 रुपये प्लस टैक्सेस है, जिसके अंदर आप मेक योर ओन पिज्ज़ा, आप अपने आप टॉपिंग्स कर सकते हो। चार तरीके की टॉपिंग्स आपके पास आ सकती है, वेज है, नॉन वेज है, पनीर है, चिकन है, चिकन सॉसेज आ सकती है, पेपरोनी आ सकती है। तो आप अपनी मर्जी से पिज़्ज़ा बनवा सकते हो और इन्जॉय करो। दो बाइट में मेरा पेट भर गया। आप खुद सोच सकते हो कि ये कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम कम से कम 12 से 15 लोगों के लिए है, ये उससे कम में नहीं है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कभी भी कालका जी के आसपास आएँ, तो कालका जी के पास भी आएँ तो ये द अमेरिकन कनेक्शन है जो आपको इजीली मिल जाएगा। टाइमिंग्स क्या है यहाँ की? सुबह 12 बजे से रात के 12 बजे तक पिज़्ज़ा इन्जॉय कर सकते हो। आई थिंक अगर इतना बड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे तो सुबह 12 बजे आना पड़ेगा और रात को 12 बजे जाना पड़ेगा। और साथ में मैंने ये ऑर्डर किया था इनका, मैंने सब कुछ आज एक एक्स्ट्रा लार्ज ही चीज़ें एक्स्ट्रा लार्ज ही उठाया सब कुछ। ये देखो इनका मॉन्स्टर शेक है, ये लुक एट दिस गाइस, मॉन्स्टर शेक है जिसकी कीमत है, इसकी कीमत कितनी है? 399 रुपीज़। और ये भी देखने में इतना जितना अच्छा लग रहा है, आपको टेस्ट करने में उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने टेस्ट किया है, बहुत अच्छा है। और ये लास्ट जो मेरा यहाँ का, मतलब मनमीत का बड़ा फेवरेट है, और मनमीत एक ही बाइट में शायद खा ले ये बर्गर, छोटा सा बर्गर मनमीत खा लेगा। और अगर मनमीत नहीं खाएगा तो पता ही है यार, फिर आना हैप्पी बर्थडे हो जाएगा मनमीत का। इसकी कीमत जो है, इसकी कीमत है 849 रुपीज़। ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है। मैं ट्रेस कर लूँ, पिज़्ज़ा रखता हूँ पैक, मैं भी खाऊँगा, मन भी लेके जाएगा। और थोड़ा सा साइड में करते हैं, मैं एक्चुअली इसका ट्राई करना चाहता हूँ बर्गर, एक बाइट तो ले ही लूँगा, है कि नहीं? ओह भाई, दिस इज कॉल्ड बर्गर गाइस। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने दिखा रहा क्या क्या, बट मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कैसा टेस्ट है। मनमीत के लिए तो एक बाइट है, पर मेरे लिए 100 बाइट है, 100 से भी ज़्यादा है। एक टमाटर ही आया है, मनमीत ही खा सकता, मैं नहीं खा सकता। ओहो हो, मेरे मुंह जितना है, टेस्ट बहुत अच्छा है, साइज़ भी बहुत बड़ा है। कभी भी आप ये चीज़ें ट्राई करें तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अकेले मत आना, नहीं तो फूड वेस्ट होगा। मेरे साथ और भी बंदे हैं जो इसे खाएंगे, वो जी मला लौंडा, वो देखो वो बैठा है, तो ये भी नहीं खा पाएगा मुझे पता है। और ये चटपटी सीखा, प्लीज़ अनफॉलो दिस गर्ल ऑन इंस्टाग्राम। और ये दोनों ख़त्म करेंगे, मैं नहीं करूँगा और साथ में मनमीत ख़त्म करेगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। रेटिंग 10/10 फ्रॉम माय साइड, टेस्ट बहुत बढ़िया है, साइज़ सीरियसली मैटर करता है गाइस, अब तो बाप रे। तो कभी भी यहाँ पर आए कालका जी के आसपास तो इसे ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ढूंढते हैं क्या इससे भी बड़ी कोई चीज़ है क्या दिल्ली के अंदर। दिल्ली का बिगेस्ट पिज्ज़ा है ये, बर्गर नहीं बोलूँगा बट दिल्ली का बिगेस्ट पिज्ज़ा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।